मॉरिशस के प्रधानमंत्री योर एक्सलेंसी प्रवीण जगन्नाथ जी, उनकी पत्नी श्रीमती कोविदा जगन्नाथ जी, यूपी के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी सुषमा स्वराज जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और दुनिया भर से पधारे और काशी पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी यहां अपनी अपने पूर्वजों की मिट्टी की महक से खींचे चले आए हैं। कल जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान मिलने वाला है, उन्हें मैं अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन मेरे लिए भी विशेष है। जैसा कि सुषमा जी कह रही थी, मैं यहां आपके सामने प्रधानमंत्री के साथ साथ काशी का सांसद होने के नाते एक मेजबान के रूप में उपस्थित हुआ हूं। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। साथियों, आज आपसे अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी के निधन पर अपना शोक व्यक्त करना चाहता हूं। तुमकुर के श्री सिद्धगंगा मठ में मुझे कई बार उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला था और जब भी उनसे मिलता था, वो एक बेटे की तरह मुझे इतना स्नेह करते थे, इतना आशीर्वाद देते थे। ऐसे महान संत महाऋषि का जाना हम सभी के लिए बहुत दुखद है। मानव कल्याण के लिए उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। मैं आदरपूर्वक उन्हें नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों और बहनों, दुनिया भर में बसे आप सभी भारतीयों से संवाद का यह अभियान हम सभी के प्रिय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। अटल जी के जाने के बाद यह पहला प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। इस अवसर पर मैं अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी इस विराट सोच के लिए नमन करता हूं। साथियों, आप सभी काशी में हैं और इसलिए मैं काशी और आप सभी में एक समानता भी देख रहा हूं। बनारस नगरी चीर काल से ही भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और ज्ञान की परंपरा से
दुनिया में देश का परिचय कराती रही है। आप भी अपने दिलों में भारत और भारतीयता को संजोए हुए इस धरती की ऊर्जा उसे दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं। इसलिए ही आप अभी जिस देश में भी रह रहे हैं वहां के समाज को भी आपने अपनापन दिया है, वहां की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया है, आपने वसुधैव कुटुंबकम इस भारतीय दर्शन का, हमारे पारिवारिक मूल्यों का विस्तार किया है। आप सभी जिस देश में बसे हैं वहां के समाज के लगभग हर क्षेत्र में लीडरशिप के रोल में नजर आते हैं। मॉरिशस को श्री प्रवीण जगन्नाथ जी पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबेगो और आयरलैंड जैसे अनेक देशों को ऐसे सक्षम लोगों का नेतृत्व मिला है जिनकी जड़ें भारत में है। साथियों, आप सभी के सहयोग से बीते 4.5 वर्षों में भारत ने दुनिया में अपना स्वाभाविक स्थान पाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता, हमने इस सोच को ही बदल डाला है। हमने बदलाव करके दिखाया है। साथियों, दुनिया आज हमारी बात को, हमारे सुझावों को पूरी गंभीरता के साथ सुन भी रही है और समझ भी रही है। पर्यावरण की सुरक्षा और विश्व की प्रगति में भारत के योगदान को दुनिया स्वीकार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ के साथ साथ सियोल पीस प्राइज का मिलना इसी का परिणाम है। साथियों, आज भारत अनेक मामलों में दुनिया की अगुवाई करने की स्थिति में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आइसा ऐसा ही एक मंच है। इसके माध्यम से हम दुनिया को वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड उस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये हमारे उस लक्ष्य का भी हिस्सा है जिसके तहत हम भारत की समस्याओं के ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जिनसे दूसरे देशों की मुश्किलें भी हल हो सके। लोकल सॉल्यूशन ग्लोबल एप्लीकेशन के अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर चलते हुए देश ने
बीते 4.5 वर्षों में क्या पाया, इसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक ताकत है, तो स्पोर्ट्स में भी हम बड़ी शक्ति बनने की तरफ निकल पड़े हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और आधुनिक संसाधन बन रहे हैं, तो स्पेस के क्षेत्र में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत भी चला रहे हैं। आज हमारा युवा मेक इन इंडिया के तहत रिकॉर्ड स्तर पर मोबाइल फोन, कार, बस, ट्रक, ट्रेन बना रहा है, तो वहीं खेत में रिकॉर्ड अन्न उत्पादन भी हो रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं साथियों, आप में से अनेक लोगों ने हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार को लेकर कही एक बात जरूर सुनी होगी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से जो पैसे भेजती है उसका सिर्फ 15% ही लोगों तक पहुंच पाता है। अगर दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा गांव में पहुंचता है, 85 पैसे छूमंतर हो जाते हैं। ये एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे देश में कहा था। इतने वर्ष तक देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। बीमारी तो पता चला, बीमारी को स्वीकार भी किया, लेकिन इलाज करने की दिशा में न सोचा न कुछ किया। देश का मध्यम वर्ग ईमानदारी से टैक्स देता रहा और 85% की लूट भी चलती रही। साथियों, अब मैं आपको आज की सच्चाई भी बताना चाहता हूं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में करीब करीब 5,80,000 करोड़ रुपये, 5,80,000 करोड़ रुपये यानी करीब करीब $80 बिलियन हमारी सरकार ने अलग अलग योजनाओं के तहत सीधे लोगों को दिए, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। किसी को घर के लिए, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी को स्कॉलरशिप के लिए, किसी को गैस सिलेंडर के लिए, किसी को अनाज के लिए ये राशि दी गई है। अब आप अंदाज लगाइए, अगर देश पुराने तौर तरीकों से ही चला रहा होता तो आज भी इस 5,80,000 करोड़ रुपये में से
करीब करीब 4.5 लाख से भी ज्यादा हजार करोड़, 4.5 लाख हजार करोड़ से ज्यादा ये रकम छूमंतर हो जाती, लीक होती। अगर हम व्यवस्था में बदलाव नहीं लाते होते तो ये राशि उसी तरह लूट ली जाती जैसे पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था कि लूटी जाती थी। साथियों, ये सुधार पहले भी हो सकता था लेकिन नियत नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी और नीति की अपेक्षा करना जरा कठिन लगता है। हमारी सरकार अब उस रास्ते पर चल रही है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर मदद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। पिछले 4.5 साल में हमारी सरकार ने करीब करीब 7 करोड़ ऐसे फर्जी लोगों को पहचान कर उन्हें व्यवस्था से हटाया है। ये 7 करोड़ लोग वो थे जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जो वास्तव में थे ही नहीं, लेकिन ये 7 करोड़ लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे। कागज पे वो थे, कागज पे वो पैदा भी हुए, बड़े भी हुए और फायदा भी उठाते रहे। आप सोचिए, पूरे ब्रिटेन में जितने लोग हैं, पूरे फ्रांस में जितने लोग हैं, पूरे इटली में जितने लोग हैं, ऐसे अनेक देशों की जनसंख्या से ज्यादा तो हमारे यहां वो लोग थे जो सिर्फ कागजों में ही जी रहे थे और कागजों में ही सरकारी सुविधाओं का लाभ चला जाता था। इन 7 करोड़ फर्जी लोगों को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये उस बदलाव की एक झलक है जो पिछले 4.5 वर्षों में देश में आना शुरू हुआ है। साथियों, ये देश में बड़े पैमाने पर हो रहे परिवर्तन की, न्यू इंडिया के नए आत्मविश्वास की एक झांकी भर है। भारत के गौरवशाली अतीत को फिर स्थापित करने के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के संकल्प का ये परिणाम है और मैं आज बहुत गर्व से कहना चाहता हूं, इस संकल्प में आप भी शामिल हैं। साथियों, सरकार का पूरा प्रयास है कि आप सभी जहां भी रहे सुखी रहे और सुरक्षित रहे। बीते 4.5 वर्षों के दौरान संकट में फंसे 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को सरकार के प्रयासों से दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में मदद पहुंचाई गई है। आपकी सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, पीआईओ और ओसीआई कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रवासी भारतीयों के लिए कुछ महीने पहले ही एक नया कदम भी उठाया गया है। दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे आप सभी के लिए पासपोर्ट सेवा से जुड़ा एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हो जाएगा। बल्कि अब तो एक कदम आगे बढ़ते हुए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जारी करने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, पासपोर्ट के साथ साथ वीजा से जुड़े नियमों को भी
सरल किया जा रहा है। ई वीजा की सुविधा मिलने से आपके समय की बचत भी हो रही है और परेशानियां भी कम हुई है। अभी भी अगर कोई समस्या इसमें है तो उसके सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप में से अनेक इस बात से भी परिचित होंगे कि हमारी सरकार ने पीआईओ कार्ड को ओसीआई कार्ड में बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। साथियों, आप अपनी मिट्टी से भले ही दूर है लेकिन न्यू इंडिया के निर्माण में आपकी सक्रिय भागीदारी में और बढ़ोतरी हो इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। भारत में जो बदलाव आ रहा है, जो नए अवसर बन रहे हैं, उसमें आपका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बदलते हुए इस भारत में आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि भारत के स्टार्टअप्स और एनआरआई मेंटर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी आपके लिए एक अहम सेक्टर हो सकता है। भाई और बहनों, मां भारती की सुरक्षा अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी आपका जुड़ाव और मजबूत हो, इसके लिए प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना की भी शुरुआत की जा रही है। मैं इस मंच पर पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहराना चाहता हूं कि आप जिस भी देश में रहते हैं वहां से अपने आसपास के कम 5 परिवार, और वो भी नॉन इंडियन 5 परिवारों को भारत आने के लिए आप प्रेरित करिए। आपका ये प्रयास देश में टूरिज्म बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी तरह आप इस वर्ष गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती पर अपने देश में रहते हुए कैसे उनकी बातों को, भारत की बातों को अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, इस पर भी विचार कीजिए। पिछले दिनों सुषमा जी के नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में एक अच्छा प्रयोग हुआ। वहां के हमारी सभी एम्बेसीज ने गांधी 150 निमित्त उस देश के कलाकारों को वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, गांधी जी का प्रिय भजन, उनको गाने के लिए रिक्वेस्ट की। YouTube पर इसकी सारी वीडियो अवेलेबल है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि विदेश के नागरिक, विदेश के कलाकार कितनी भक्ति भाव से वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए गा रहे हैं। एक प्रकार से गांधी ग्लोबल है। ये अनुभूति हम सब कोई इसको सुनते कर सकते हैं, और इसलिए कुछ विशेष कार्यक्रम अगर आप करना चाहें तो भारतीय दूतावास या एम्बेसी द्वारा भी आपकी हर संभव मदद की जाएगी। इस वर्ष हम सभी गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी बना रहे। गुरुवाणी को हम कैसे दूसरे देशों के लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उसे कैसे परिचित कराएं, इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप जिस भी देश में हो कुछ न कुछ योजना बननी चाहिए, कुछ न कुछ प्रयास होना चाहिए। साथियों, ये बातें सिर्फ सुझाव के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग पहले से ऐसा करते आ रहे हैं।
लेकिन आपसे स्नेह ऐसा है कि मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। मैं विशेष रूप से आज उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। आमतौर पर किसी राज्य में प्रवासी भारतीय दिवस का इतना बड़ा कार्यक्रम लेना हो, दुनिया के इतने मेहमान आने वाले हो, तो उस राज्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत योजना करनी पड़ती है, करीब करीब एक साल उसमें लग जाता है। और एक कार्यक्रम करने के बाद एक साल थकान उतरने में चली जाती है। मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए बधाई देता हूं कि कुंभ जितना इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा हो, इतनी बड़ी व्यवस्था लगी हुई हो, कुंभ के मेले की तैयारियां ने 2-3 साल तक लगातार काम करना पड़ता है। और मुझे संकोच हो रहा था कि कुंभ के मेले की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के पास है, सारी सरकारी मशीनरी उसमें व्यस्त है, 10 करोड़ लोग वहां आने की संभावना है, ऐसे में काशी में ये कार्यक्रम करें या न करें, मेरे मन में झिझक थी। लेकिन मैं योगी जी को, उनकी पूरी टीम को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन और शासन को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक साथ 2 बड़े इतने कार्यक्रम, इस बात ने दुनिया को इस बात का परिचय करवा दिया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के मुलाजिम, ये भी दुनिया में किसी से कम नहीं है। और इसलिए मैं उनका विशेष अभिनंदन करता हूं। मैं काशीवासियों का सर झुका करके प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रवासी भारतीय दिवस को गुजरात में भी किया हुआ है, और शायद गुजरात के मुख्यमंत्री कहो या आज प्रधानमंत्री के पद पर देखो, शायद हिंदुस्तान में मैं एक ऐसा इंसान हूं जो करीब करीब सभी प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूं। जब मुख्यमंत्री था तब भी आता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो दायित्व बना है। एक बार सिर्फ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से शरीक हुआ था, अदरवाइज मैं फिजिकली जाता। मैंने इतने कार्यक्रम देखे हैं, गुजरात में भी मैं मेजबान था, लेकिन काशी ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम नहीं बनने दिया, जनता जनार्दन का कार्यक्रम बन गया, हर काशीवासी ने इसने अपना कार्यक्रम बना लिया। करीब करीब 400 लोग परिवारों में ठहरे हैं, और यहां की टेंट सिटी का नजारा ऐसा है कि मुझे बताया गया कि कई लोग जो होटल में ठहरे थे वो होटल छोड़कर के टेंट सिटी का मजा लेने चले आए, एक नया अनुभव करने के लिए चले आए। मैं समझता हूं, और पिछले 2 महीने से मैं लगातार देख रहा था, काशी वासियों ने काशी को एक प्रकार से ग्लोबल हेडक्वार्टर बना दिया हो, ऐसा माहौल बना दिया था। यहां आया हुआ हर मेहमान काशीवासी को लग रहा है उसके खुद के परिवार का मेहमान है, ऐसा वातावरण प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में इसके पहले मैं कभी देख नहीं पाया हूं, जो काशीवासियों ने दिखाया है। और इसलिए मैं काशीवासियों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मैं स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहां के अधिकारियों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाया, बढ़ाया और आगे बढ़ाया। और इन सारे के पीछे सुषमा जी का नेतृत्व और उनकी पूरी टीम, ये तो अभिनंदन के हकदार है ही है। काशी का गौरव बढ़ा तो यहां के सांसद के नाते
मेरी खुशी जरा चार गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेहनत आप लोगों ने की, योजना आप लोगों ने बनाई, पसीना आपने बहाया, दिन रात बिना सोए बिना थके आप लोग चलते रहे, लेकिन लोग पीठ मेरी थपथपा रहे हैं। ये आपका प्यार है, आपकी मेहनत है जिसके कारण ये संभव हुआ है। और इसलिए काशी के सांसद के नाते, मेरी इस कर्मभूमि के नाते, मैं आज एक विशेष संतोष की अनुभूति करता हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरी काशी आपके माध्यम से फिर एक बार दुनिया के हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाएगी और हर किसी को काशी आने का मन करे। मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी का काशी में पधारने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत में आपका ये प्रवास सुखद रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, सांसद के रूप में नहीं, व्यक्तिगत अपने आनंद के लिए पिछले एक दो साल से कार्यक्रम कर रहा हूं। भारत में मार्च महीना एक प्रकार से एग्जाम का महीना होता है और 10वीं 12वीं की परीक्षा यानी परिवार में साल भर एक तनाव का माहौल होता है। हर किसी को लगता है बच्चे को 10वीं में ज्यादा मार्क मिले, 12वीं में ज्यादा मार्क मिले, एक तनाव का माहौल होता है। तो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम के कुछ पहले सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्डियन से, उनके अभिभावकों से, उनके टीचर्स से मैं संवाद करूं और परीक्षा को बड़ा संकट न माने लोग, इसके लिए जो भी बातें समझा सकता हूं मैं समझाऊं। मुझे खुशी है इस 29 जनवरी को, 29 जनवरी को मैं देश भर के, और इस बार तो विदेश के लोग भी जुड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी, उनके फैमिली के लोग भी नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों परिवारों के साथ एग्जाम वॉरियर के संबंध में मैं संवाद करने वाला हूं, बच्चों से बातचीत करने वाला हूं और परीक्षा का तनाव बच्चों को न रहे, इसके लिए जो भी तौर तरीके बता सकता हूं मैं बताने वाला हूं। 29 जनवरी 11 बजे, मुझे विश्वास है कि आप भी अपने परिवारजनों को वहां सूचना करेंगे कि वहां आपके परिवार के लोग भी अगर इस एग्जाम के इस कालखंड में हो तो वे भी उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं फिर एक बार इस भव्य योजना के लिए और हमारे मित्र प्रवीण जगन्नाथ जी का परिवार के साथ यहां आना, समय देना, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना, मैं इसके लिए उनका पूरा बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके पिताजी ने मॉरिशस को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। एक प्रकार से आधुनिक मॉरिशस के वो आर्किटेक्चर है, उनका भी उतना ही प्यार हम सब पर बना हुआ है। पिछले दिन को उनके पिताजी विशेष रूप से परिवार के साथ काशी की यात्रा के लिए आए थे। आज प्रवीण जी का आना हो गया, परिवार के साथ कविता जी को लेकर के आ गए। मैं मानता हूं कि उनका भारत के प्रति जो अपार स्नेह है वो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने समय दिया, शोभा बढ़ाई, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।